आजादी बचाओ न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलापुर शहर में स्पीड पर गाड़ी चलाने वालों पर होगा 1,000 रुपये का जुर्माना। दरअसल सोलापुर शहर में बढ़ते एक्सीडेंट में हो रही मौतों के कारण ट्रैफिक पुलिस विभाग की ओर से बाइक, कार, जड़ वाहनों व ऑटो रिक्शा की स्पीड लिमिट तय कर दी गई है। अगर इस स्पीड का कोई उल्लंघन करता है तो उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया जाएगा। हर साल शहर परिसर में 200 से अधिक एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिनमें 70 से 80 लोगों की जानें जा चुकी हैं। इनमें ज्यादातर बड़ी गाड़ियों की वजह से ही दुर्घटना में मौतें हुई हैं, तो कई लोग घायल हो चुके हैं। इन दुर्घटनाओं व मौतों को कम करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने बाइक की स्पीड 40, ऑटो रिक्शा की 30, जड़ वाहनों की 20 और कार व अन्य गाड़ियों की 40 स्पीड लिमिट तय कर दी है। अगर इस स्पीड का कोई उल्लंघन करता है तो 1,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया जाएगा। सौभाग्य की एक बात तो साफ है कि शहर में अब भी कई गाड़ियां नो एंट्री के टाइम में आ जाती हैं, जिनके शीशों पर ना तो कोई परमिशन की पर्ची लगी हुई होती है और ना ही इन पर कोई कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है। और वहीं शहर में ये भी चर्चा हो रही है कि ना शहर में पार्किंग की सुविधा है और ना ही अच्छे रास्ते, जबकि 16,000 से अधिक रिक्शा, 6,00,000 से अधिक टू व्हीलर, 60,000 से अधिक कारें और 70,000 से अधिक अन्य गाड़ियां शहर में घूम रही हैं, जिनके लिए पार्किंग को लेकर ना तो महापालिका की ओर से कोई कदम उठता हुआ दिखाई दे रहा है और ना ही ट्रैफिक पुलिस विभाग की ओर से पार्किंग जोन डे बाय डे यानी एक दिन उस दिशा में एक दिन इस दिशा में पार्क करने के साइनबोर्ड कोर्ट, जिला परिषद परिसर छोड़कर कहीं और दिखाई नहीं देता है।